अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंचे। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी गणेश भारती का चुनाव प्रचार करने के लिए गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा ग्रामीण से राजद के विधायक ललित यादव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कुशेश्वर स्थान में राजद प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर राजद प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर कि राजद ने उपचुनाव में उसे धोखा दिया है, तेजस्वी यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि वे तो अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क में आए हैं, कौन क्या कह रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बता दें कि बिहार में 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से टूट गया है और कांग्रेस ने आने वाले समय में हर चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा भी कर दी है। दोनों ही सीटों पर राजद और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस वजह से यहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। बाय इलेक्शन है, उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। जनसंपर्क अभियान हम लोगों का चालू है और दोनों सीटों पर जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रत्याशी जो है भारी मतों से जो है हम लोगों को विजय प्राप्ति मिलेगी। कांग्रेस ने कहा है कि आरजेडी ने धोखा दे दिया है, क्या? देखिए, हम तो अपना जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, कौन क्या कह रहा है इस पे हमारा अभी कोई ध्यान नहीं।